में आयोजित होने वाले अनुसूचित जनजाति खेल महोत्सव के लिए हर हर गुट्टू की रहने वाली छात्रा सरौठी सरदार का चयन हुआ है। आपको बता दें कि सरौठी सरदार का चयन योगा में हुआ है। वह अनुसूचित जनजाति खेल महोत्सव में योग में अपना प्रदर्शन करेंगी। कुमकुम सिंह ने बताया कि वह लोग छात्राओं को निःशुल्क योग सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में सिर्फ श्रुति सरदार का चयन अनुसूचित जनजाति खेल महोत्सव के लिए हुआ है, जो कि जमशेदपुर और झारखंड के लिए गौरव की बात है। मेरा नाम सारसी सरदार है। मैं प्रमात योगा मेडिटेशन सेंटर में 2 साल से योगा सीख रही हूँ और जनजाति के महोत्सव में जमशेदपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो भुवनेश्वर में 9 से 12 जून तक होने जा रहा है। मेरे पापा का नाम है शंकर सरदार, वो टाटा स्टील में प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं अभ्युदय पब्लिक स्कूल हरिपुर में पढ़ती हूँ। मैं स्टैंडर्ड 5 में हूँ और योगा सबको करना चाहिए, जिससे मुझे योगा स्वास्थ्य लाभ हुआ है। सेंटर में 4 सालों से चला रही हूँ और ऐसे में 12 सालों से योगा सिखा रही हूँ। और मैंने खुद टीचर्स ट्रेनिंग पतंजलि से किया हुआ है, हरिद्वार से, और आदरणीय हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ मेरा ट्रेनिंग हुआ, उन्होंने खुद मुझे प्रशिक्षित किया है। तो और जो हमारे तरफ से जो मुझे गुरु से शिक्षा मिली है, उसके हिसाब से मुझे निःशुल्क योग की सेवा करनी है। तो मैं उसी हिसाब से अपने सेंटर को जो मैं चला रही हूँ, मेरा सेंटर बिल्कुल निःशुल्क ही चल रहा है। इसमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो फीस पे कर सकते हैं, घर से फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो वो पे करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे हमारे सेंटर पर हैं, सभी को मैं निःशुल्क ही सिखा रही हूँ। अभी कितने बच्चे सीख रहे हैं आपकी योगा? लगभग 15 या 16 बच्चे होंगे। कौन से बच्ची है जो अभी चयनित हुई है? हमारे यहाँ से एक ST बच्ची है, जो कि स्पेशली अभी जनजाति खेल महोत्सव है, उसमें से ST बच्चों को ही परफॉर्म करना था, तो ST बच्ची है वही पर इस बार अभी सेलेक्ट हुई है। उसका नाम सरौठी सरदार है, 11 साल की बच्ची है और 9 से 12 तारीख तक उड़ीसा में होना है अभी इस खेल महोत्सव को। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की शुभकामना रहेगी तो वो जीत के भी आएगी वहाँ से। अभी वो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि उसमें जो पोटेंशियल है वो आगे चल के अपने देश को भी रिप्रेजेंट करे एक दिन। ये आपके यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग करते हैं, क्या निःशुल्क है या शुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है हमारे यहाँ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस पे करते हैं, जो घर से फाइनेंशियली स्टेबल हैं वो करते हैं, बाकी सभी बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और मैं चाहूँगी भी आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मेरे आसपास अगर और भी कोई ऐसा बच्चा है जो फाइनेंशियली घर से कमज़ोर है और वो योग सीखना चाहता है, तो मैं उसको बिल्कुल निःशुल्क ही सिखाऊँगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्या टाइमिंग आपके सेंटर का? टाइमिंग है शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम है। एक ही बैच में मैं क्लास चलाती हूँ क्योंकि मेरा अपना भी कुछ कुछ काम रहता है, तो उसकी वजह से और सिर्फ एक ही बैच चलता है। योगा से तो काफ़ी स्वास्थ्य अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स स्पेशली इस बात को लेकर अब अवेयर रहते हैं कि बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो बिल्कुल फिट रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। और ये बच्चे खुद भी महसूस करते हैं कि वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को, उनमें काम करने का एक अलग ही मतलब उत्साह रहता है। क्लास आने के लिए सारे बच्चे उत्साहित रहते हैं और एक दो बच्चे ऐसे हैं कि वो घर जाना ही नहीं चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ चिक्की है, घर जाना ही नहीं चाहते, सो घर जाने का मन नहीं करता। ये जो योगा का कौन सा सब पार्ट है बहुत जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं? देखिए आसन तो हम लोग बच्चों